इज इन द एयर। हाल ही में माननी डे और मेहर मिश्रा ने जिंदगी साथ गुजारने का फैसला ले लिया। मिहिर और माननी जब एक दूसरे से मिले, उन्हें ऐसा लगा कि दे आर मेड फॉर ईच अदर, और दोनों ने मिलने के सिर्फ 20 दिन बाद शादी कर ली। शायद मेरी किस्मत में उस वक्त ये इंसान लिखा था, और शायद हमेशा के लिए लिखा है। मुझे लगता है इट वाज द कंजंक्शन ऑफ द प्लैनेट्स एंड द स्टार्स, एंड ही इज अ टेरिबली चार्मिंग पर्सन, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही सभ्य, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, जेंटील, ऐसी चीजें जो आप ज्यादातर आज के आदमियों में नहीं पाते हैं। इससे पहले माननी की वरुण बड़ोला के साथ 2.5 साल की रिलेशनशिप टूट गई थी, और मिहिर की जिंदगी में शिल्पा कदम का 3 साल का साथ छूट गया। ऑनेस्ट गॉड, ये कोई डोमिनो इफेक्ट नहीं था कि क्योंकि वरुण ने शादी की मुझे करनी थी, और कोई ईगो हासिल नहीं था। मैं बहुत खुश हूँ वरुण की शादी के लिए। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम एंड फॉर राजेश्वरी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं शादी करूँगा, और खास करके 3 साल आई हैड अ वेरी बैड रिलेशनशिप, लेकिन जब मैं माननी से मिला तो आई न्यू इट दैट दिस वाज इट, एंड आई थिंक ये मेरी ड्रीम वेडिंग है। आई कुडंट हैव थॉट ऑफ एनीथिंग बेटर। माननी और उनकी बेटी अपने इस छोटे से संसार में सुखी थे। फिर भी माननी को लगता था कि जिंदगी में किसी चीज की कमी है, और तब उनकी जिंदगी में आए मिहिर। I realized this is the woman I can't live without. Everything inside me, every bone inside me said this is it. She's the woman. मुझे I just knew it. मुझे पता था कि बस अगर मैंने आज नहीं पूछा तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। So, तीसरे दिन पे मैंने मनी से प्रपोज किया और उसको बोला कि let's get married. तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। प्यार होने में चाहे 20 साल लगे या 20 दिन, प्यार प्यार होता है। पॉपकॉर्न की दुआ है कि ये जोड़ी सलामत रहे हमेशा हमेशा।